नमस्कार किसान दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी किसान दोस्तों का। आज के इस वीडियो में हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल में ही पढ़ लिया कि क्या इस किसान ने सही निर्णय लिया है, सही फैसला है क्या इसका, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे किसान दोस्त लोग अक्सर मेरे से सवाल जो है पूछते रहते हैं और हर एक जो भी किसान नया आना चाहता है बकरी पालन करने के लिए, बकरी पालन करना चाहता है, तो वो अक्सर ये सोचता है कि मुझे किस उम्र की बकरियों के साथ फार्म जो है वो शुरू करना चाहिए और क्या एज होनी चाहिए उनकी, क्योंकि है ना बकरियों में अलग अलग तरीके की आपको देखने मिलती हैं कि भाई वो पहली बार प्रेग्नेंट है, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, मैच्योर गोट है, अदंत बकरी है, तो ये अलग अलग तरीके की बकरियां जो हैं वो देखने मिलती हैं। तो अक्सर किसान दोस्त मेरे से पूछते रहते हैं कि सर हमें किस उम्र की बकरियों के साथ फार्म शुरू करना चाहिए, और जैसे ये किसान है ना बीटल नस्ल की ये जो आपको वीडियो में दिख रही हैं ये प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, कुछ फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, कुछ सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है, तो क्या प्रेग्नेंट बकरियों के साथ फार्म शुरू करना चाहिए या मैच्योर बकरियों के साथ फार्म शुरू करना चाहिए या अदंत बकरियों के साथ फार्म शुरू करना चाहिए, कुछ ऐसे सवाल मेरे पास लगातार आते रहते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इसी टॉपिक के ऊपर जानकारी जो है वो देने वाला हूँ। यह जो वीडियो है ये वंदना गोट फार्म कड़ेल अजमेर का है। तो दोस्तों बकरी पालन में सबसे अहम चीज़ हो जाती है ब्रीड का सिलेक्शन। ब्रीड का सिलेक्शन आप अपने यहाँ पर पाई जाने वाली नस्ल जो आपकी लोकल नस्ल है अगर आप उसके साथ फार्म शुरू करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। फिर दूसरी आ जाती है अगर आप कहीं से बाहर से बकरियाँ लेकर आ रहे हैं तो आप उन बकरियों का चयन करिए जो है ना मैच्योर हो चुकी हैं। मैच्योर मतलब दो दांत चार दांत उनने कर लिए हैं, वो कीमत उनकी थोड़ी सी आपको ज़्यादा हो सकती है। अगर हम तुलना करते हैं अदंत बकरी की और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तुलना करते हैं अगर बड़ी बकरियों से तो बड़ी बकरियों की कीमत थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी, परंतु जो शुरुआत में आने वाली परेशानी है ना खास करके उनके खान पीन से संबंधित, शुरुआत में जो लूज मोशन की शिकायत देखने मिलती है ना सर्दी जुखाम की शिकायत देखने मिलती है वो बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो बकरियां बड़ी होती हैं जिनका शारीरिक विकास हो चुका होता है उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो छोटे बच्चों की तुलना पर बहुत अच्छी होती है। तो इन दो बातों का आपको बहुत अहम चीज़ ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए अगर आप कहीं से प्रेग्नेंट बकरियां लेकर आते हैं या मैच्योर बकरियां लेकर आते हैं तो उनके खान पीन पर वहां उन्हें क्या खाने के लिए दिया जा रहा था, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। मैं लगातार अपने हर वीडियो में ये जानकारी सभी से शेयर करते रहता हूं। बकरियां शुरुआत में तो डाउन होंगी ही, परंतु अगर उन्हें उस तरीके की डाइट जो उनके यहाँ पर मिल रही थी अगर हम कुछ वैसी डाइट अपने यहाँ पर देंगे तो हमारे यहाँ के क्लाइमेट में बकरियाँ बड़े आसानी से ढल जाएंगे। अगर एकदम से हम उनका खाना जो है पूरी तरीके से अगर परिवर्तित कर देते हैं तो बकरियाँ शुरुआत से ही खाना कम कर देती हैं और उनका वेट लॉस होता चला जाता है और फिर उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो भी कम होती जाती है। तो आपको इन दो बातों का बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना है। हाँ, अगर आप यहाँ पर प्रेग्नेंट बकरियों का चयन करते हैं तो उसके फायदे जरूर हैं। फायदा ये मिलेगा आपको कि भाई कम समय में ही आपको बच्चे मिल जाएंगे जो आपके फार्म को जल्दी स्टेबल कर सकेंगे, परंतु विशेष तौर पर आपको ध्यान ये देना है कि भाई आप अपने यहाँ पर पाई जाने वाली नस्ल को सबसे पहले प्राथमिकता दें, उसके बाद जब आप उस नस्ल में महारत पा जाएं, जब उस नस्ल को पालना आपको आ जाए उसके बाद आप बाहर की नस्ल को है ना लेकर आएं और उस पर अपना काम करना शुरू करें, क्योंकि जब कभी भी आप बाहर की नस्ल के साथ काम करेंगे तो उसमें आपको चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे, आपको परेशानियां ज़्यादा आएंगी, तो इस बात का जरूर आपको ध्यान देना है। तो मेरा ये सजेशन है और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ कि आपको या तो मैच्योर या प्रेग्नेंट बकरियाँ या आपने यहाँ पर जो लोकल नस्ल है पहले उसके साथ काम करना शुरू करना चाहिए। हाँ, आप बाहर की नस्लों को प्रेफर कर सकते हैं। तो दोस्तों
ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और कुछ इस तरीके की अगर आपको बकरियां चाहिए तो आप वंदना गोट फार्म से संपर्क कर सकते हैं, आपको रिजनेबल रेट पर ये बकरियां उपलब्ध हो जाएंगी। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, क्या इस किसान ने जिसने भी ये बकरियाँ खरीदी हैं, प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, क्या इसका निर्णय सही था, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।